हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग. माय नेम इज सुजीत मिश्रा, मैं जी एजुकेटर, और आप देख रहे हैं आज अपने 13 जुलाई करंट अफेयर्स. तो एक बार आप लोग मुझे कमेंट कर दें यस और नो कि आप मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं. और गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे बच्चों की तरह नहा दो कि हमारा करंट अफेयर्स आज इंजॉय करेंगे. आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन और भी है गाइज, हमने आपके लिए फ्री करियर गाइडेंस एंड पर्सनल काउंसलिंग के लिए एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है 1800-313-4483. आप इस नंबर पे जाकर अपने लिए करियर गाइडेंस, आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, जो भी पूछना है, आप इस नंबर पे कॉल कर लें. पूरी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है. हमारे मेंटर्स हैं जिन्हें हमने हायर किया है, जो ऑलरेडी एग्जाम में सिलेक्टेड हैं, वो आपका कॉल पिक करेंगे और आपको करियर गाइडेंस देंगे. अगर कभी आपकी कॉल नहीं उठती है तो किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉल बैक फॉर्म मिल जाएगा, उसको आप फिल कर लीजिए, आपके पास डेफिनेटली कॉल आ जाएगी. इसके अलावा गाइस, अगर मैं आपको बताऊं तो आज एक बिग अनाउंसमेंट है आपका गाइडली के लिए, और ये हमारा दिन के 3 बजे है, जहां पर मैं, सचिन मोदी सर, यशराज सर और अमित सर आपके लिए एक बिग अनाउंसमेंट करने वाले हैं. तो ये कुछ पेड नहीं है, चिंता मत करना, सब फ्री वाली चीजें ही हम कर रहे हैं. तो आपको दिन के 3 बजे भी आना है और हमारी दिशा और दशा सुननी है, जो हम तय कर रहे हैं आपके लिए. ठीक, बिग अनाउंसमेंट शाम दिन के 3 बजे आपको आना है गाइडली यूट्यूब चैनल पे. मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, फंक्शन दे रहा हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और पहले वार्म अप कर लेते हैं. वार्म अप, देन उसके बाद मोटिवेशनल कोट, देन करंट अफेयर्स. तो पहला क्वेश्चन मेरा आपके सामने, आपको उसका आंसर देना है. क्वेश्चन ये है कि बोइंग कंपनी ने अभी भारतीय वायुसेना के सभी 37 सैन्य हेलीकॉप्टरों की अंतिम डिलीवरी पूरी कर दी है जून मंथ में. तो कौन कौन से हेलीकॉप्टर इसमें शामिल थे, ये आपसे पूछा गया है. वी हैव 5 ऑप्शंस, आपको सही आंसर देना है. व्हाट इज द आंसर? प्लीज हिंदी में भी प्रोवाइड करवा दीजिए, हिंदी में है तो कैसे करने प्रोवाइड भाई हिंदी. चलो आंसर देना, क्या इसका आंसर होगा? जल्दी आंसर दो, फटाफट दो आंसर दो. और आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा? आंसर आप लोग दे रहे हैं, आंसर इज 22AH-64E अपाचे एंड 15CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, आपसे पूछा गया कि सेबी ने म्यूचुअल फंड उद्योग के विनियमन और विकास से संबंधित मामलों पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है, इस नए पैनल का प्रमुख कौन होगा? सेबी हैज रिस्ट्रक्चर्ड द एडवाइजरी कमेटी ऑन मैटर्स. क्या इसका आंसर वो देख लीजिए यहाँ पे. गुड मॉर्निंग रिधि जी, गुड मॉर्निंग. और मैंने आपसे बोला हुआ है कि टाइम हमारा 7 AM पे है, तो उस समय गुड मॉर्निंग किया करिए. ठीक है, आंसर की बात कर लें, आंसर इज उषा थुराट. तो उषा थुराट फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना. 5 ऑप्शन हमारे पास है, तो एक बार देख लेते हैं. रणवीर सिंह, अनिल कुंबले, KS रेड्डी और प्रसन्ना कुमार मोहंती कौन कौन है? देखिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ नेशनल लेवल कमेटी फॉर द रिफॉर्म इन द क्रिमिनल लॉ, हेडेड बाई द रणवीर सिंह. ये वाइस चांसलर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के थे. तो देख लीजिए गाइस, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं, वो भी आपको याद होना चाहिए. देख लीजिए यहाँ पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नेशनल लेवल कमेटी बनाई है फॉर द रिफॉर्म्स इन द क्रिमिनल लॉ, और इस कमेटी को लीड करेंगे रणवीर सिंह जी, जो कि वाइस चांसलर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. ठीक, इसके अलावा अनिल कुंबले की बात कर ले. अनिल कुंबले फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, लीड ICC क्रिकेट कमेटी हैज रिकमेंडेड द बैन ऑफ यूसेस ऑफ सालिवा. ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी. इसके अलावा गाइस आगे देख लें, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन 11 मेंबर एक्सपर्ट हेडेड बाय द डॉक्टर KS रेड्डी टू असेस COVID-19 इंपैक्ट ऑन ह्यूमन राइट. तो COVID-19 का ह्यूमन राइट्स पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसे असेस करने के लिए 11 मेंबर कमेटी बनाई गई है, और इस कमेटी को लीड करेंगे डॉक्टर KS रेड्डी. तो एक पॉइंट आपके सामने ही है. इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक 5 मेंबर की इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया है टू रिव्यू द एक्सटेंट गाइडलाइंस रिलेटेड टू द ऑनरशिप, गवर्नेंस एंड द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक. टू कमेटी विल बी हेडेड बाई द डॉक्टर प्रसन्न कुमार मोहंती, डायरेक्टर एंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यानी चार कमेटी की इंफॉर्मेशन हमने आपको दी. देख लीजिए, रणवीर सिंह यहां पर क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनी, उसको लीड करेंगे अनिल कुंबले. ICC ने एक कमेटी बनाई थी जिसको लीड किया अनिल कुंबले ने. इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि जो गेंद में लार लगाते हैं प्लेयर्स, गेंद को चमकाने के लिए, वो बैन हो. KS रेड्डी की बात कर लेंगे इस, तो ह्यूमन राइट का इंपैक्ट COVID-19 पर. और प्रसन्ना कुमार मोहंती, तो देख लीजिए यहां पर ऑनरशिप, गवर्नेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक. चारों याद रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3.
तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज रिन्यू द एमओयू विद द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी विच हेडक्वार्टर्ड इन द पैरिस ऑन एनर्जी सेक्टर सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस. व्हाट इज द टर्म ऑफ द रिन्यू एमओयू? तो आपसे पूछा गया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आईएई के साथ एग्रीमेंट अपने एग्रीमेंट को रेन्यू किया है. कितने साल के लिए रेन्यू हुआ है ये आपसे पूछा गया. वी हैव फाइव ऑप्शंस. रितु बोल रही है 5 साल, विकी बोल रहे हैं 5 साल, निकिता बोल रही है 5 साल, सारे बच्चे 5 साल बोल रहे हैं. आंसर इज 3 इयर्स, ऑप्शन नंबर बी. तो 3 साल के लिए ये एग्रीमेंट रेन्यू हुआ है एडीबी और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का 3 साल के लिए. तो 5 साल, 3 साल, 8 साल, 2 साल, 7 साल, कुछ ऑप्शन हैं, देख लेते हैं और देख लेते हैं. देखिए तो एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर लॉन्च द नगर वन ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. Under the scheme, around 200 urban forests are to be developed all over the country in the next 5 years. यानी अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें 5 साल, तो हमारे देश में environment जे के occasion पर हमारी जो government है प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उन्होंने नगर वन स्कीम लॉन्च करने की बात बोली है, जिसमें 200 अर्बन फॉरेस्ट बनाए जाएंगे अगले 5 सालों में. तो एक इंफॉर्मेशन ये. इसके अलावा गाइज आपको बताया कि SARC एंड एसोसिएट इनको पीएम केयर फंड का ऑडिटर अपॉइंट किया गया है अगले 3 सालों के लिए. 3 साल ऑप्शन में यहां देख लीजिए. तो एक तो 3 साल का ये आंसर आपने दिया, दूसरा आंसर मैंने आपको ये दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको, SARS एंड एसोसिएट्स को 3 साल के लिए पीएम केयर फंड का ऑडिटर भी बनाया है. इसके अलावा क्या इस बात करें, इंडिया लॉसेस 750 टाइगर्स इन द लास्ट 8 ईयर, यानी ऑप्शन में कहीं पर ये है 8 ईयर, तो 8 ईयर का हम लोग रिविजन करवा रहे हैं. तो इंडिया भारत में 750 टाइगर की मौत हुई है लास्ट 8 ईयर में, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मौत हुई है, एक इंफॉर्मेशन ये. इसके अलावा गाइस अगला ऑप्शन 2 साल था. तो इंडिया प्लस 10 मिलियन टू UNRWA ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर. तो भारत जो है फिलिस्तीन शरणार्थियों की हेल्प करने के लिए अगले 2 सालों में $10 मिलियन फंड देगा. इसके अलावा गाइस बात कर लें तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेटेड डेट, जिसे आप लोग CGSSD बोलते हैं, has been launched by the Ministry of MSME. Under the scheme, what will be the moratorium period on repayment of principal? तो यहां पर क्या है, यहां पर मोराटोरियम आपसे पूछा है और इसका मोराटोरियम कितना है. तो इनका मोराटोरियम 7 साल है, यहां पे 7 साल होगा, यहां पे वॉट नहीं, 7 साल. तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेटेड डेब्ट भारत सरकार की एक स्कीम है फॉर द MSME. अगर MSME इस स्कीम के तहत लोन लेते हैं तो उनको 7 साल का मोराटोरियम दिया जाएगा, मतलब 7 साल तक कोई भी ब्याज आपको नहीं देना है. 7 साल में एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने अभी फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड लॉन्च किया है जिसकी मैच्योरिटी 7 साल होगी, जिस पर आपको ब्याज मिलेगा करीब 7.15% का, ये भी देख लीजिएगा. तो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020, 7 साल की मैच्योरिटी के साथ 7.15% का ब्याज आपको मिलेगा. तो ये भी पॉइंट हमने आपको बता दिया. फिर देख लीजिए यहाँ पे, तो 7 साल में मैंने 2 पॉइंट आपको पढ़ाए हैं. पहला पॉइंट मैंने क्या पढ़ाया है, पहला पॉइंट मैंने पढ़ाया है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेटेड डेट. तो अगर कोई MSME इसमें लोन लेती है तो उसको 7 साल के लिए मोराटोरियम मिलेगा. एक पॉइंट मैंने और बताया कि भारत सरकार ने फ्लोटिंग रेट बॉन्ड लॉन्च किया है, ये भी 7 साल की मैच्योरिटी वाला है, इसमें आपको 7.15% का इंटरेस्ट मिलेगा. उसके अलावा 8 साल में मैंने क्या ऑप्शन दिया आपको, तो 8 साल में यहां पर ऑप्शन आपको दिया गया है, ये देखिए कि भारत में पिछले 8 सालों में 750 टाइगर की मौत हुई है. इसके अलावा 3 साल की बात कर ले, 3 साल में भी आपको ऑप्शन दिए गए यहां पर कि SARS और एसोसिएट्स को भारत सरकार ने पीएम केयर फंड के ऑर्डर रूप में 3 साल के लिए अपॉइंट किया है. और फिर 5 साल ऑप्शन में था, तो ये बताया गया कि एनवायरमेंट मिनिस्टर ने 5 साल के लिए 200 फॉरेस्ट अर्बन फॉरेस्ट बनाने की बात बोली है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. तो नादौन पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया है, यह देश के किस राज्य में स्थित है यह आपको बताना. ठीक है, तो नादौन पुलिस स्टेशन हैज बीन रैंक अमंग द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया. इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री. वी हैव 5 ऑप्शन. अगर आंसर की बात करें, आंसर इज हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी. हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. चलिए, तो हमारे पास और भी ऑप्शन है लाइक मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ आइए देख लेते हैं. तो किल कोरोना कैंपेन, 15 दिन का एक लॉन्ग कैंपेन, ये लॉन्च कहां पर हुआ, मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ. तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने 15 दिन लंबा किल कोरोना कैंपेन लॉन्च किया, आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश. पहला पॉइंट हमारा ये.
दूसरा बात कर ले, महाराष्ट्र हैज लॉन्च प्रोजेक्ट प्लैटिना व्हिच इज वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्वेलेंट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट टू ट्रीट क्रिटिकल कोविड 19 पेशेंट। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट प्लैटिना शुरू किया? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया, तो ये भी याद रखेंगे। महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक। आंध्र प्रदेश की बात कर ले, यहां क्या हुआ? तो आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन टू मॉनिटर द एग्रीकल्चर नीड ऑफ द फार्मर। तो ये इस एप्लीकेशन का नाम था सीएम ऐप, AWP, ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, सीएम ऐप। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया था? कौन सा एप्लीकेशन? तो कौन सा एप्लीकेशन, यहां पे देख लीजिए, एप्लीकेशन का नाम था सीएम AWP, सीएम ऐप टू मॉनिटर द एग्रीकल्चर नीड ऑफ द फार्मर। इसे भूलिएगा नहीं, इसे मत भूलिएगा, मुझे याद है, चीफ मिनिस्टर एप्लीकेशन। और देख ले यहाँ पे, तो और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा था उत्तराखंड। तो गैरसैंण डिक्लेयर्ड उत्तराखंड समर कैपिटल। तो उत्तराखंड की समर कैपिटल गैरसैंण को घोषित किया गया है। एक बार देख ले ऑप्शन पे, तो मध्य प्रदेश में किल कोरोना कैंपेन, और महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लैटिना, आंध्र प्रदेश में सीएम एप्लीकेशन फॉर द एग्रीकल्चर नीड ऑफ द फार्मर, एंड उत्तराखंड में बताया गैरसैंण जो होगी इसकी समर कैपिटल होगी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। The state has launched the week long campaign titled Pure for Sure to ensure purity of the milk and its product. तो किस स्टेट में प्योर फॉर श्योर कैंपेन लॉन्च किया गया डेयरी प्रोडक्ट की शुद्धता की जांच करने के लिए? हमने पढ़ा हुआ था शनिवार को, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान हमारा सही आंसर है। तो राजस्थान, ठीक है, याद कर लेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 2020 का एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो है ये कहां पर होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये होने वाला था सितंबर में, लेकिन अभी ये 2021 के लिए टाल दिया गया है। तो ये कहां पर होगा, ये आपसे पूछा गया है। आपके सामने पांच ऑप्शन है, आंसर आपको सही देना है, क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए आप। और गाइस अगर आंसर की बात कर ले, तो आंसर है श्रीलंका, ये श्रीलंका में होने वाला है। आइए आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से शुरू करेंगे, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये लोग को होस्ट करेंगे फीफा 2023 वुमेन्स वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को होस्ट करेंगे फीफा 2023 वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन वियतनाम, वियतनाम होस्ट ऑनलाइन 36 एशियान समिट एमिड पेंडेमिक। तो वियतनाम जो है वो 36वां एशियान समिट होस्ट करेगा, ठीक। आगे बात कर ले, एवरी ईयर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 तारीख को मनाते हैं, और इस साल इस इवेंट को होस्ट कर रहा है कोलंबिया विद द पार्टनरशिप ऑफ द जर्मनी। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को होस्ट करने वाला कोलंबिया था इस साल विद पार्टनरशिप ऑफ जर्मनी। उसके अलावा गाइस, द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कंफर्म दैट द इंडिया विल होस्ट द 2022 वुमेन्स एशिया कप, 2022 का वुमेन्स एशिया कप, ठीक। तो ऑप्शन देख लीजिए, इंडिया का 2022 का वुमेन्स एशिया कप, कोलंबिया की बात कर लें तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे विद द हेल्प ऑफ द जर्मनी, वियतनाम की बात करें 36 एशियान समिट, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात कर लें तो क्या हो गया आंसर, 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे ये लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। इसरो सेट टू लॉन्च अमेजोनिया वन अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ऑन PSLV। द अमेजोनिया वन इज द सैटेलाइट बिलोंग टू विच कंट्री, कौन सी कंट्री का सैटेलाइट है, ये आपसे पूछा गया। आई थिंक आप लोग इसका आंसर इजिली दे लेंगे, आपको पढ़ाया गया। आंसर इज ब्राजील, ऑप्शन नंबर थ्री। तो न्यूजीलैंड, म्यांमार, बेल्जियम, निकारागुआ, इसका भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ब्राजील है। बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड ने अपने आप को कोरोना वायरस फ्री डिक्लेयर कर दिया था, ये आपको शायद याद होगा, आपको पढ़ाया गया है, ठीक। म्यांमार की जो मिलिट्री है जिसका नाम है तथ मादा, ये फेसबुक पर रिटर्न हो रही है, फेसबुक पेज पर रिटर्न हो रही है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ पहले। इसके अलावा गाइस अगर हम लोग बात कर ले बेल्जियम की, तो अभी जो लेटेस्ट फीफा रैंकिंग आई है जिसमें भारत की रैंक 108 है, उसमें बेल्जियम ने टॉप किया हुआ है। वहीं अगर हम निकारागुआ की बात कर लें, तो एक्सिम बैंक ने निकारागुआ को $20.10 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट अप्रूव कर दिया है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे फिर से, न्यूजीलैंड कोरोना फ्री देश, म्यांमार की बात कर लें तो यहाँ की आर्मी वापस आ गई है किस पर, फेसबुक पर, बेल्जियम की नंबर वन रैंक है फीफा रैंकिंग में, निकारागुआ की बात कर लें तो एक्सिम बैंक ने $20.10 मिलियन का लोन इनको दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, विच स्टेट MOU विच फ्लिपकार्ट टू प्रमोट द आर्ट क्राफ्ट एंड द हैंडलूम सेक्टर। तो मतलब कि किस स्टेट के जो ये आर्टिशियन क्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर है उनको प्रमोट करने के लिए फ्लिपकार्ट ने MOU साइन किया है, आपको मैंने शनिवार को पढ़ाया था। ये सब क्या इसका आंसर होगा, आंसर की बात कर ले, आंसर इस कर्नाटक, ऑप्शन नंबर वन, कर्नाटक एंड क्या हो गया फ्लिपकार्ट, कर्नाटक एंड फ्लिपकार्ट। लेकिन त्रिपुरा, झारखंड, JNK एंड तेलंगाना ऑप्शन में क्यों है, देखिए
त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अभी अपने स्टेट में प्ले लिटिल स्टडी लिटिल नाम का कैंपेन लॉन्च किया था स्कूल स्टूडेंट के लिए, मैंने आपको खुद पढ़ाया। प्ले लिटिल स्टडी लिटिल कहां पर त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। ठीक, झारखंड ने अभी जीआई टैग लॉन्च हासिल किया है अपने सुरई कोवर पेंटिंग के लिए, झारखंड जीआई टैग सुरई कोवर पेंटिंग के लिए। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर में एक पर एनम होने वाला खीर भवानी मेला है, इसको कैंसिल कर दिया गया है। वहीं अगर बात करते हैं तेलंगाना की, तो भारत सरकार ने तेलंगाना गवर्नमेंट को 412.19 करोड़ रुपए दिए हैं फॉर द जल जीवन मिशन इन 2020-21। 412, फिर से ऑप्शन देख लें एक बार। तो त्रिपुरा में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ, सब कुछ आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मच वॉज द एडिशनल अमाउंट मास्टर कार्ड प्लान टू इन्वेस्ट टू सपोर्ट इंडियन एसएमई। तो मास्टर कार्ड इंडियन एसएमई को सपोर्ट करने के लिए कितना अमाउंट निवेश करेगा, ये आपसे पूछा गया। मैंने शनिवार को आपको ये पढ़ाया था गाइस, आज दिन के 3 बजे आपको आना है, दिन के 3 बजे एक अनाउंसमेंट है स्पेशल, ठीक है, वहां आपको आना है। आंसर इज 250 करोड़ रुपीज। ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं, 2000, 1500, 445, 250 एंड 175। तो 2000 करोड़ की बात करें तो पीएम केयर फंड से अभी 2000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे फॉर द 50,000 वेंटिलेटर जो भारत सरकार परचेस कर रही थी। तो भारत सरकार ने पीएम केयर फंड से 50,000 वेंटिलेटर खरीदे हैं और टोटल अमाउंट 2000 करोड़ रुपीज। तो एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, और देख लें, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस अ 1500 करोड़ इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर द स्मॉल बिजनेस एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज अंडर द मुद्रा शिशु लोन। तो अगर आप मुद्रा में शिशु लोन लेते हैं तो आपको 2% की सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि इसका खर्च कितना आएगा, इसका टोटल खर्च भारत सरकार के ऊपर 1500 करोड़ रुपए का आएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 445 करोड़ रुपीज जो है वो एलोकेट किए हैं फॉर द जल जीवन मिशन फॉर द छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के लिए 445 करोड़ रुपए जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, यानी 4-4-5 करोड़ रुपए फॉर द छत्तीसगढ़, 1500 करोड़ रुपए फॉर द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर द शिशु स्कीम एंड 2000 करोड़ रुपीज किसके लिए, तो वो मैंने आपको बता दिया था फॉर द वेंटिलेटर परचेस करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन में क्या बचा, 175 करोड़। ठीक है, देख लेते हैं, 175 करोड़ की बात कर ले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेघालय गवर्नमेंट को जल जीवन मिशन के इंप्लीमेंट के लिए 175 करोड़ रुपीज एलोकेट किए हैं। तो एक पॉइंट हमने आपको ये बता दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ विच बैंक प्लान टू सेटअप फंड टू रिवाइव स्लम रिहेबिलेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट। तो COVID-19 की वजह से जो मुंबई में स्लम एरियाज हैं जहां पे गरीब लोग रहते हैं वहां काफी नुकसान पहुंचा, तो ऐसे लोगों को पुनर्वास करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ कौन सा बैंक मिलकर एक पुनर्वास प्राधिकरण परियोजना के लिए पुनर्जीवित करने के लिए एक फंड स्थापित करेगा, वो कौन सा बैंक है, ये आपसे पूछा गया। और यहां पर मैक्सिमम अच्छे आंसर दे रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ये सही आंसर होगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा DBS बैंक, एक्सिम बैंक, ये सब क्या है देख लेते हैं। तो DBS बैंक ने अभी क्या किया है, DBS बैंक ने अभी TCIL के साथ एग्रीमेंट किया है फॉर द रियल टाइम पेमेंट फॉर ट्रक ड्राइवर। ये TCIL क्या है, तो ये ट्रक ड्राइवरों का क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है, TCIL। और देख लें, एक्सिम बैंक ने मालावी गवर्नमेंट को 215.68 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, $215.68 मिलियन। ये एक्सिम बैंक ने मालावी गवर्नमेंट की हेल्प की है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी अपने बैंक में सुरक्षा सैलरी अकाउंट लॉन्च करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा मारुति सुजुकी ने करूर वैश्य बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है फॉर द फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग टू द कस्टमर। मतलब फिर से एक बार देख लें, अगर DBS बैंक की बात करें तो TCIL के साथ एग्रीमेंट किया है फॉर द रियल टाइम पेमेंट ऑफ द ट्रक ड्राइवर। एक्सिम बैंक ने मालावी गवर्नमेंट को लोन दिया है, कितना लोन दिया है, $215.68 मिलियन। इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक की बात कर लें तो इन्होंने सुरक्षा सैलरी अकाउंट शुरू किया है। और वहीं करूर वैश्य बैंक की बात करें तो मारुति सुजुकी और करूर वैश्य बैंक के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से हमारा डेली करंट अफेयर शुरू करेंगे और स्टार्टिंग करेंगे अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। और हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है आपके लिए, देखिए यहाँ पर तो मोटिवेशनल कोट है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग नथिंग बिकॉज यू आर ओवरवेलम्ड टुडे यू शुड डू समथिंग इवन इफ इट्स स्मॉल इट विल बी वन स्टेप क्लोजर टू योर गोल। तो गाइज, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम डीमोटिवेट होते हैं, जब हमारा मोरल डाउन होता है, तो हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता। शायद हम काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और इस परेशानी में भी हम अपने आप को पनिश करते हैं कि हम कुछ नहीं करें। तो जब हम अपने गोल के प्रति कुछ नहीं करते, हम सीरियस
नहीं होते हैं या हमने पूरा दिन आज का बर्बाद कर दिया, तो कहीं ना कहीं अगर हम लेटते हैं सोते हैं तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहता है और वो चीज हमको हमेशा परेशान करेगी, जिसकी वजह से हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हम खुश कब रहते हैं ड्यूरिंग आवर स्टडी लाइफ? हम खुश कब रहते हैं? जब हम कॉन्फिडेंट रहते हैं। और हम कॉन्फिडेंट कब रहते हैं? जब हमने बिल्कुल एक्यूरेटली उस प्लान को फॉलो किया है जो हमने अपने लिए बनाया था कि हमें इतने दिन में इतना चीजें कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन, लॉकडाउन खत्म भी हो गया, अनलॉक वन भी शुरू हो गया और जो हमारे प्लान्स थे क्या हमने वो अचीव किए? अगर हम अपने एग्जाम की बात करें तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल रीजनल रूरल बैंक की बात कर लें या फिर सीजीएल की बात कर लें, जो भी एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो एग्जाम की डेट जो आ चुकी है उसको हमको फाइनल मान के ही अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो जो हमारे वीकर सेक्शन थे, जो हमारे वीक पोर्शन थे, क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जियो, क्या हमने वो अचीव किया? तो गाइज कुछ ना करने से अच्छा कि थोड़ा बहुत तो करिए, आप कम से कम आप अपने गोल की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। तो कभी भी आप डीमोटिवेट हो, आपका मोरल लो हो, आपका आपके फैमिली में किसी झगड़ा हो गया हो, आपका कहीं किसी से कोई झगड़ा हो गया हो, तो उसका असर आपके पढ़ाई पर नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं? आपने मूवीज में बात करते देखा वालों क्या बोलते हैं कि मैं अपने पर्सनल लाइफ को अपने प्रोफेशनल लाइफ से मिक्स नहीं करना चाहता। पता है क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ जिस दिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर इम्पैक्ट डालेगी आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो यही सेम चीज आपके पढ़ाई के साथ होनी चाहिए। आपकी प्रॉब्लम्स आपकी पढ़ाई पर इम्पैक्ट नहीं डालनी चाहिए, आपके गोल पर इम्पैक्ट नहीं डालनी चाहिए, बिकॉज आप स्टूडेंट हो। और जो एक चीज आप समझना है कि जो आप पढ़ेंगे वही आपको काम आएगा, तो इसलिए आपकी पढ़ाई का जो भी टारगेट आप बनाते हैं उसका गोल डेली सेट करें। अगर आप गोल सेट कर रहे हैं उसे अचीव कर रहे हैं, मतलब आप अपने इंद्रियों पर वश कर सकते हैं, आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो यानी कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि आपको अपने ऊपर वश नहीं है, और जिसको अपने ऊपर वश नहीं होता है वो कभी सिलेक्शन नहीं ले सकता है। तो याद रखिए मेरी बात जो मैंने आपको समझा दी। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन गाइज, और रिपोर्ट इंडिसेस रैंकिंग की बात करेंगे। रिपोर्ट इंडिसेस रैंकिंग डेटा, इन सारी न्यूज की बात हम यहाँ करने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे यूके गवर्नमेंट की। तो यूके गवर्नमेंट ने अभी अपनी लिस्ट निकाली है एफडीआई की, मतलब कौन सा देश यूके में सबसे ज्यादा निवेश करता है, और इस मामले में भारत नंबर टू पर पहुंच गया है नंबर थ्री से। तो इंडिया बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन यूनाइटेड किंगडम। आइए पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाते हैं, ठीक है? बेस्ड ऑन द लेटेस्ट फिगर, तो अभी एक लेटेस्ट फिगर यूके ने निकाला है जिसके हिसाब से भारत जो है वो दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा निवेश करने वाला है यूके में। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द यूके। तो एक पॉइंट ये आपको याद हो जाएगा। उसके अलावा यूएस नंबर एक पर, तो यूएस नंबर एक पर है और इंडिया नंबर दो पर है, और ये डेटा 2019-20 का शो करा जा रहा है आपको, ठीक है? तो यूएस नंबर एक पर, इंडिया नंबर टू पर, जर्मनी तीन पर, फ्रांस चार पे, और चाइना हांगकांग पांचवें नंबर पे। फिलहाल आपको यूएस और इंडिया ही याद रखना है, यूएस नंबर एक पर और इंडिया नंबर टू पर। तो एक इंफॉर्मेशन ये हमने आपको दे दी। इसके अलावा गाइस बात करें रिपोर्ट इंडिसेस रैंकिंग में, तो अभी ऑल इंडिया टाइगर सेंसस जो कि हर चार साल में एक बार होता है, 2006 से यह शुरू किया गया है, तो आप कह सकते हो कि ये कौन सा एडिशन है, ये फोर्थ एडिशन होगा, ठीक? तो ऑल इंडिया टाइगर सेंसस 2018 सेट न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। तो मतलब कि जो हमने 2018 में ऑल इंडिया टाइगर सेंसस किया था, तो इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। किस मामले में? लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे, मतलब कि सबसे ज्यादा कैमरा यूज करने के जो हमने किया एग्जैक्टली में, उसकी वजह से हमारा ये सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। आइए आपको कंप्लीट डेटा देते हैं, ठीक है? पहली बात गाइस फोर्थ एडिशन, तो जो टाइगर सर्वे हम कर रहे हैं वो फोर्थ एडिशन है, बिकॉज ये 2006 से शुरू हुआ है और चार साल में एक बार होता है, तो ये चौथा एडिशन था ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018, ठीक? इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गई है फॉर बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। तो ये तो आपको मालूम चल गया जो हमने आपको बताया। इसके अलावा गाइस बात कर ले, देखो दिस कैमरा सर्वे एन अफेक्टिव एरिया ऑफ, तो मतलब इस कैमरा सर्वे ने कितना लंबा एरिया कवर किया, तो 121,337 स्क्वायर किलोमीटर या 46,848 स्क्वायर माइल। तो जितने भी कैमरे हमने लगाए हैं तो कैमरा कुछ डिस्टेंस तक तो कवर करेगा कैप्चर, तो वो डिस्टेंस कितनी है टोटल? तो 121,337 स्क्वायर किलोमीटर की दूरी जो है वो हमने कवर की कैमरे के थ्रू। और टोटल इन टोटल जितने भी कैमरे लगाए गए इन कैमरे से देख लीजिए कितने,
34,85,86,023 फोटोग्राफ, मतलब कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़ सॉरी 3,48,58,623 फोटोग्राफ करीब करीब खींचे गए हैं। आप ऐसे बोल सकते हो 3.5 crore करोड़ फोटोग्राफ खींचे गए हैं, ठीक। और देख लीजिए वाइल्ड लाइफ वेयर कैप्चर्ड बाय द 26,838 कैमरा ट्रैप इंस्टॉल, यानी कितने कैमरा। तो अब ये नंबर आपको याद रखना है, तो अगर नंबर की बात करें सिंपल याद रखिए 26,000 भी आप बोल सकते हैं या 26,838 कैमरे लगाए गए जिसके थ्रू करीब करीब 3.4 करोड़ फोटोग्राफ खींचे गए, ठीक। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ऑफ द टोटल फोटोग्राफ की बात कर ले तो 76,651 वेयर टाइगर्स एंड 51,777 वेयर लेपर्ड, तो 76,651 टाइगर की इमेज ली गई है और 51,770 लेपर्ड की इमेज ली गई है, ठीक। एज पर द सर्वे इंडिया हैज एस्टिमेटेड 2,967 टाइगर और 75% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन, तो इंडिया में इस समय करीब करीब 3,000 टाइगर है जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन का 75% इंडिया में है। तो गाइज ये पूरी न्यूज थी, एक बार फिर से आप देख लीजिए। तो क्या क्या आपको याद रखना है, तो फोर्थ एडिशन, चौथा एडिशन, जो चौथा एडिशन हमारा शुरू हुआ है टाइगर सर्वे का, और इसके हिसाब से हमने कितने कैमरे यूज किए हैं, तो हमने 26,838 कैमरे यूज किए हैं, ठीक। इस कैमरे से गाइज हम लोगों ने करीब ये देखो यहां पर 121,337 स्क्वायर किलोमीटर का दूरी तय की, मतलब दूरी कैप्चर की, ठीक। अब अगर बात करें तो हमने 76,651 फोटोग्राफ टाइगर्स के लिए है और ये डेटा याद रखना है फॉर द लेपर्ड के लिए, टोटल लाइक 2,967 ये आपको याद रखना है। तो इतना आपको पढ़ना है, डेटा थोड़ा ज्यादा है लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लें तो मैंने क्या बोला कि ये जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हम करते हैं वो 2006 से शुरू हुआ। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज द रिस्पॉन्सिबल बॉडी हु कैरी आउट द सर्वे इन एवरी फोर ईयर, ठीक है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो हर 4 साल में सर्वे कराती है, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट इंडिसेस रैंकिंग में हम अपने न्यूज नंबर 3 की बात करेंगे। तो एनटीपीसी का नाम तो आपने सुना होगा, हमारे देश की इमारत कंपनी। तो एनटीपीसी की सिंगरौली यूनिट 1, सिंगरौली पड़ता है एक जगह, एक डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र में, सोनभद्र एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है। तो सोनभद्र की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र एक जिला है, सोनभद्र में सिंगरौली प्लेस है, सिंगरौली। तो एनटीपीसी का सिंगरौली यूनिट 1 एमर्ज एज द इंडिया टॉप परफॉर्मिंग प्लांट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21। तो एनटीपीसी की सिंगरौली यूनिट 1 जो है वो भारत की टॉप परफॉर्मिंग प्लांट निकला है पहले क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 21। पहले क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो वो अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल पहला मंथ, मई दूसरा मंथ और जून तीसरा मंथ, फर्स्ट क्वार्टर का मतलब पहला 3 महीना। तो पहले 3 महीने में सिंगरौली यूनिट 1 एनटीपीसी जो है वो भारत का सबसे टॉप परफॉर्मिंग प्लांट है जो है वो बन के निकला है। कैसे, देखिए यहां पर तो एनटीपीसी की बात कर रहे हैं, एनटीपीसी की सिंगरौली यूनिट की बात कर लें, ये टॉप परफॉर्मिंग यूनिट हो गया है फर्स्ट क्वार्टर में देश का। क्यों हो गया है वो हम दिखाते हैं। तो यूनिट 1 ऑफ द एनटीपीसी सिंगरौली पावर प्लांट जो है इसने टोटल 101.96% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखा गया यहाँ पे, मतलब 100% का होता है ना, तो ये 101.96% का काम इसने किया पूरे 3 महीने में अप्रैल जून 2020 पीरियड। तो 101.96% का लोड फैक्टर इसको मिला था, मतलब आप कह सकते हैं भाई कैपेसिटी 100% आपकी होती है तो उससे भी ज्यादा आपने वर्क कर लिया, 101.96% किया है सिंगरौली की यूनिट 1 ने। तो एक पॉइंट हमने आपको यह दिखा दिया, ठीक है, ठीक। चलिए तो सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो ये एनटीपीसी, ये मतलब उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, सोनभद्र में शक्तिनगर पे ये स्थित है सिंगरौली पावर प्लांट, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, इसकी टोटल कैपेसिटी है 2000 मेगावाट है सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट की, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं रिपोर्ट इंडिसेस रैंकिंग में। तो मुकेश अंबानी पूरे वर्ल्ड के 7वें नंबर के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। इन्होंने वॉरेन बफेट को पीछे कर दिया है, वॉरेन बफेट को पीछे कर दिया है। तो मुकेश अंबानी 7वें नंबर के सबसे अमीर पूरे विश्व के बन गए हैं। आइए पूरी इंफॉर्मेशन देख लीजिए। तो मुकेश अंबानी विश्व के 7वें नंबर के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। इन्होंने वॉरेन बफेट को नेटवर्थ के मामले में छोड़ दिया है पीछे। तो मुकेश अंबानी की इस समय टोटल वर्थ है 69.9 बिलियन डॉलर, वहीं वॉरेन बफेट की 69.1 बिलियन डॉलर। और अभी भी वर्ल्ड के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस बने हुए हैं, जिनकी नेटवर्थ 189.2 बिलियन डॉलर पर है। तो एक पॉइंट ये भी हमने आपको दिखा दिया। देखिए ये पूरी लिस्ट, तो जेफ बेजोस नंबर एक पर बने हुए अमेज़न के सीईओ हैं, नंबर टू पे बिल गेट्स हैं, नंबर थ्री पे बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली हैं, एंड नंबर फोर पे मार्क जुकरबर्ग। तो मुकेश अंबानी 7वें नंबर पे आ रहे हैं और वॉरेन बफेट 8वें नंबर पे आ रहे हैं। तो एक इंफॉर्मेशन आपको हमने दे दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी की। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग बात करेंगे लॉयल टेक्सटाइल मिल्स की। तो लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट रीयूजेबल पीपीई किट विद ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी। तो पीपीई किट का मतलब गाइस क्या होता है, जो भी आपने देखा कि जो एक तरह का गाउन पहनते हैं डॉक्टर्स, उसके साथ मास्क लगाते हैं, बाल पे कुछ लगाते हैं ना, ये सब किस में आता है? ये सब आता है पीपीई किट में आता है। तो लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड ने एक ऐसा पीपीई किट बनाया है जो कि रीयूजेबल है, आप उसे रीयूजेबल कर सकते हैं, और इसमें ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी भी है। पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने। तो भारत की है लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, इसने वायरल शील्ड नाम का एक वो पीपी किट बनाया है, जिसको आप लोग दोबारा से तिबारा से यूज कर सकते हैं आफ्टर द वॉश। वायरल शील्ड याद रखना है आपको। लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड ने वायरल शील्ड नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें पीपी किट को आप मतलब दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो एक पॉइंट आपके सामने ये है, ठीक। दिस पीपी इज द वर्ल्ड फर्स्ट रीयूजेबल पीपी, विश्व का पहला ये रीयूजेबल पीपी होगा। और बात करें गाइस, तो इट हैज बीन लॉन्च अंडर द लॉयल, ठीक है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो लॉयल कंपनी का नाम याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर में। तो बुक्स एंड ऑथर में दलाई लामा का एक बायोग्राफी आ गया है, नाम क्या है, हिज होलीनेस एंड 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी रिटन बाई इनका नाम क्या है, इनका नाम है तेंजिन गेचे टेथोंग, ये नाम है। तो ये रिलीज होगी अक्टूबर में। तो दलाई लामा जो 14वें दलाई लामा है, उन पर उनकी बायोग्राफी लॉन्च की गई है, जो लिखी गई है तेंजिन गेचे टेथोंग के द्वारा। आइए पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाते हैं। द बायोग्राफी ऑफ द करेंट दलाई लामा टाइटल्ड हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, ये बायोग्राफी का नाम है जो कि अक्टूबर में आने वाली है, ठीक। तो ये बायोग्राफी का नाम है जो अक्टूबर में आने वाली है। इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं तेंजिंग गेचे टेथोंग, ये इनके ऑथर हैं, 40 साल इनकी एज है, ठीक है। तो मतलब कि ये दलाई लामा से 40 साल से रह रहे हैं, तो इन्होंने ये बुक निकाली है, और ये बुक पब्लिश करेगा रोली बुक्स, ये बुक पब्लिश करेगा रोली बुक्स पब्लिकेशन। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट की बात कर लें। तो हॉकी इंडिया नेम्स मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोम्बम एज द न्यू ऑफिसकेटिंग प्रेसिडेंट। ऑफिसकेटिंग का मतलब होता है कार्यवाहक, मतलब कि फुल टाइम नहीं। तो हॉकी इंडिया ने मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोम्बम को अपना नया कार्यवाहक अध्यक्ष अपॉइंट किया है। आइए पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाते हैं। द हॉकी इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने डिसाइड किया है कि मिस्टर ज्ञानेंद्रो निगोम्बम को न्यू ऑफिसकेटिंग प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, जब तक कि कोई नया हमको नहीं मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा सा नाम याद करना जरूरी है, थोड़ा सा याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करेंगे गाइस। तो कोलाबेरा, तो कार्तिक कृष्णमूर्ति न्यू सीईओ ऑफ द कोलाबेरा। तो कार्तिक कृष्णमूर्ति जो हैं वो कोलाबेरा के नए सीईओ बनेंगे। आगे देखिए, तो कोलाबेरा एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक, जिसने कार्तिक कृष्णमूर्ति को अपना सीईओ अपॉइंट किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंगापुर में इलेक्शन हुए। सिंगापुर एशिया की दूसरा देश है आफ्टर साउथ कोरिया, जहां पर इलेक्शन हुए, और सिंगापुर के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं ली सीनियन लूंग, ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे सिंगापुर के। देखिए यहाँ पे, तो सिंगापुर बिकेम द सेकेंड कंट्री इन द एशिया टू कंडक्ट द नेशनल पोल्स इन द टाइम ऑफ द COVID-19 ग्लोबल पैंडेमिक। तो सिंगापुर दूसरा देश बना जिसने कि जिसने कोविड 19 पैंडेमिक में भी अपने इलेक्शंस कराए। तो
गाइस बात करें तो पहला देश था साउथ कोरिया जिसने 15 अप्रैल को ही इलेक्शन कराए थे, और अब सिंगापुर ने अपने यहाँ इलेक्शन कराए हैं। और सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर के जो राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर ली सीन लूंग, ये फिर से क्या करेंगे, ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इनकी पार्टी का नाम है पीपुल्स एक्शन पार्टी, ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे सिंगापुर के। तो एक इंफॉर्मेशन ये भी हमने आपको दे दिया। आगे बढ़े गाइस डिफेंस न्यूज की बात करें तो मालाबार एक नेवी एक्सरसाइज होता है इंडिया यूएस और जापान का, मतलब पहले ये इंडिया और यूएस के बीच में शुरू हुआ, उसके बाद जापान को हमने इन्वॉल्व कर लिया, और अब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया है मालाबार डिफेंस एक्सरसाइज में। तो मालाबार डिफेंस एक्सरसाइज जो हर साल ये होती है, एक साल ये बे ऑफ बंगाल में होता है और एक साल ये पैसिफिक ओशियन में होता है। बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए ये एक डिफेंस एक्सरसाइज होता है। तो इस बार के एक्सरसाइज में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया है। तो इंडिया प्लान टू इनवाइट ऑस्ट्रेलिया टू ज्वाइन द एनुअल मालाबार नेवल एक्सरसाइज, जो कि जापान और यूएस के साथ अभी इंडिया अकेले करती थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को भी इन्वाइट किया गया है। तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूएस, ये लोग साल के अंत में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये मालाबार एक्सरसाइज करते आपको दिखाई देंगे। तो मालाबार की बात कर लें, ये एक एनुअल एक्सरसाइज है इंडिया का, जापान का और यूएस का, जो कि अल्टरनेटली होता है, एक बार इंडियन ओशियन में और एक बार पैसिफिक ओशियन में। ठीक, 1992 में इंडिया और यूएस ने इसको शुरू किया था, एंड 2015 में जापान ने भी मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया था, और अब ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन कर लेगा। हालांकि एक बार पहले भी ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुका है, मतलब इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया पहले भी एक बार मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया परमानेंट मेंबर अभी नहीं बना। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वर्ल्ड मलाला डे, ये 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड मलाला डे, क्योंकि 12 जुलाई को इनका बर्थडे होता है। अब मलाला कौन है तो आपको पता है, यंगेस्ट ये प्राइज विनर है ऑफ द नोबेल पीस प्राइज। उसके बाद करें बात करें तो नेशनल फिश फार्मर डे 10 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया, नेशनल फिश फार्मर डे 10 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। उसके अलावा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड द राइट ऑफ द वुमेन एंड द गर्ल्स, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड द राइट ऑफ द वुमेन एंड गर्ल्स, ये इसकी थीम है इस बार की वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले, डबल ई एस एल इंक्ड एग्रीमेंट विद द नोएडा। तो EESL का मतलब क्या है गाइस, तो आपने शायद नाम सुना होगा, मैं आपको दिखाता हूं पूरी न्यूज। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, डबल EESL, इसने एक एग्रीमेंट किया है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब नोएडा के साथ, जिसमें क्या होगा, जिसमें ये दोनों मिलकर प्रमोट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इंस्टॉल चार्जिंग स्टेशन एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब नोएडा में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूजेस बढ़े और साथ ही साथ नोएडा में चार्जिंग स्टेशन को डिप्लॉय किया जाए, इसके लिए डबल EESL और नोएडा के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। डबल EESL ये गवर्नमेंट की कंपनी है जो कि एनर्जी कंजम्पशन पे हमारे देश में काम करती है। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें तो केजंग डी थोंगडो वन 2020 दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो केजंग डी थोंगडोक कौन है, तो ये एक, आइए आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, अरुणाचल प्रदेश के ये एक फिल्म डायरेक्टर है। देखिए तो केजंग डी थोंगडोक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश वॉन द 2020 दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर हिज शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है, ची लूपो। तो केजंग डी थोंगडो, इनको इनके शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो एक नाम आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर आपको देने होंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, विच कंट्री हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द यूके। तो कौन सा देश है जो कि दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई कंट्री बन गया है यूके के लिए, आंसर इज इंडिया, ऑप्शन नंबर वन। कौन सा टॉप पर है, यूएसए टॉप पर है। वॉट इज द रेज लिमिट एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट इन डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर में हमने एफडीआई की लिमिट को ऑटोमेटिक रूट से बढ़ाकर 74% कर दिया है। डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट आज भी 100% है, लेकिन 100% किसके थ्रू है, गवर्नमेंट रूट के थ्रू है। अगर हम ऑटोमेटिक रूट की बात करेंगे तो 74% याद करना है। मेजर सोर्स ऑफ एफडीआई कम्स इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री इन द 2019। सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया में आता है सिंगापुर से, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइडेंटिफाई द सेक्टर वेयर एफडीआई इज नॉट अलाउड। हमारे देश में वो कौन सा एरिया है जहां पर एफडीआई अलाउड नहीं है। तो हमारे देश में एफडीआई कहां कहां अलाउड नहीं है,
हमारे देश में निजी कंपनी में एफडीआई अलाउड नहीं है, चिटफंड कंपनी में एफडीआई अलाउड नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स में एफडीआई अलाउड नहीं है, गैम्बलिंग में एफडीआई अलाउड नहीं है, बेटिंग में मतलब सट्टेबाजी में एफडीआई अलाउड नहीं है। तो ये सब कुछ एरियाज है जहां पे एफडीआई अलाउड नहीं है। तो ट्रेड इंफॉर्मेशन कंपनी में 100% एफडीआई अलाउड है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में 100% FDI अलाउड है, प्रिंट मीडिया में 26% FDI अलाउड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। विच एडिशन ऑफ द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018, तो मैंने क्या बोला था कि 2006 से ये स्टार्ट हुआ है, मतलब ये चौथा एडिशन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। According to the survey, how many estimated tigers are there in India? And the answer is 2967, option number C. Since 2006, an All India Tiger Assessment has been conducted every 4 years. Who conducted this survey? ये survey कौन करवाता है? तो ये survey National Tiger Conservation Authority कराती है, NTCA, option number A, National Tiger Conservation Authority. India has lost 750 tigers in the last night. In the last 8 years, which institute report state this? And the answer is National Tiger Conservation Authority, वही सेम जो हम बोल रहे हैं, ठीक? Which state report maximum tiger death in the last 8 years according to NTCA? What is the answer? And the answer is Madhya Pradesh, option number C is right answer. When was NTCA established? तो NTCA को 2005 में establish किया गया। Which unit of NTPC emerged the India's top performing plant in the first quarter? And the answer is unit 1. Unit 1 of the Singrauli Super Thermal Power Station. Option number B is right answer. Next point, aapse pucha gaya. The state-run electricity giant NTPC Singrauli Unit 1 has emerged as the top performing unit in the country in the first quarter of the financial year 2021 as per the data released by. Ye data kisne release kiya? Ye data kisne release kiya? To ye data release kiya hai Central Electricity Authority, CEA ne. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने डेटा रिलीज किया है, ये भी हमने आपको बता दिया। आगे बढ़े, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड? एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। हु वाज अपॉइंटेड एज एनटीपीसी डायरेक्टर ऑपरेशन? एनटीपीसी डायरेक्टर ऑपरेशन कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज रमेश बाबू, ऑप्शन नंबर बी। Recently, which country has awarded the project management consultancy contract for the development of 500 megawatt solar park of NTPC? फिर देख लीजिए यहाँ पे, तो हाल ही में किस देश ने एनटीपीसी को 500 मेगावाट सोलर पार्क के विकास के लिए परियोजना प्रबंधक परामर्श अनुबंध से सम्मानित किया है? एंड द आंसर इज माली, ऑप्शन नंबर डी। मींस माली में एनटीपीसी 500 मेगावाट का एक एक सोलर पार्क डेवलप करेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैव साइंड अ एमओयू टू सेटअप अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी फॉर, तो एनटीपीसी और ओएनजीसी हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में काम करने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर बना रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हु हैज बिकम द वर्ल्ड सेवेंथ रिचेस्ट पर्सन? आंसर इज मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर बी। मुकेश अंबानी सातवें नंबर पे पहुंच गए हैं, तो हु इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट? आंसर इज जेफ बेजोस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज वनली क्रिकेटर इन फोर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट? आंसर इज विराट कोहली, विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। Who has top in Forbes 100 world highest paid celebrity? World highest paid celebrity, answer is Kylie Jenner, option number A. What is the rank of Akshay Kumar in the Forbes 100 world highest paid celebrity? Answer is 52nd, option number B. Where is the headquarter of the Forbes? Answer is New York, USA, option number B. Who has launched the world first reusable PPE kit with the triple viral shield technology? Answer is Loyal Textile Mills Limited, option number D. Which company unveiled India's first indigenous hot air seam sealing machine for PPE kit? Answer is Rajkot ki company hai. Rajkot ki naam kya hai? Mac Power, option number A. Which country became the second largest producer of the personal protective equipment? Answer is India. Of course, number D is right answer. Who often hear about PPE in the news? What is the full form? So PPE ka full form kya hai? Personal protective equipment, option number C is right answer. What is the head office of the Loyal Textile Mills? Answer is Chennai, option number A. Who has written the illustrated biography of the Dalai Lama titled His Holiness and the Dalai Lama and illustrated biography? And the answer is Tenzing Gaichi Tethong, option number B is right answer. Who has published the autobiography? Published Roly Books, option number B is right answer. Who authored the novel titled A Burning? तो ये क्या है इसका आंसर? इसका आंसर मेघा मजूमदार है, ऑप्शन नंबर ए।
Who among the following is the author of the बुक होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड द प्लेन्स. तो ये अपने बर्थडे सेरेमनी पर रस्किन बॉन्ड ने लॉन्च की. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द न्यू ऑफिस्केटिंग प्रेसिडेंट ऑफ द हॉकी इंडिया. एंड द आंसर इज मिस्टर ज्ञानेन्द्रो निगोम्बन. ऑप्शन नंबर सी. Hockey India finalized the host for the men's and women's national hockey championship for 2021. Who will host the 11th Hockey India Senior Men's National Championship 2021? And the answer is Hockey Maharashtra. Option number C. So Hockey Maharashtra host karega 11th Hockey India Senior Men's National Championship. उसके बाद who will host the 11th Hockey India Senior Women National Championship कौन करेगा host? ये आपसे पूछा है. And the answer is Hockey Uttar Pradesh. Option number A is right answer. Where is the headquarter of the Hockey India? Answer is New Delhi. Option number B. Who has been appointed as the new CEO of the Culebra, a global technology talent solution provider? And the answer is Karthik Krishnamurthy. Option number A. Where is the headquarter of the Culebra? Answer is New Jersey, USA. Option number D. Who has continued their term as the Prime Minister of the Singapore? And the answer is Lee Sing Loong. Option number D is right answer. Singapore became the second country in the Asia to conduct the national polls in the time of COVID-19. Pehla desh kaun sa tha? To pehla desh South Korea tha. Option number B. Who has been appointed as the next High Commissioner of India to the Singapore? Answer is P. Kumaran. Option number B is right answer. Singapore ki capital Singapore city hai. Option number C is right answer. Currency Singaporean dollar hai. Option number A is right answer. India plan to invite which country to join the annual Malabar naval exercise? So answer hoga Australia. Option number B is right answer. India Japan hold naval exercise to promote understanding in the Indian Ocean. What is the title of the exercise? Answer is PASEX. Option number B is right answer. Sampriti jo hai wo kiske beech mein hota hai? To India and Bangladesh. Option number C is right answer. World Malala Day kab manate hain? To 12 July ko manate hain. Option number C is right answer. नेशनल फिश फार्मर डे 10th जुलाई को मनाते हैं. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस टू सेलिब्रेट 10th जुलाई एवरी ईयर एज द नेशनल फिश फार्मर डे. आंसर इज 2001. 2001 से 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे मनाया जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. तो ये 11 जुलाई को हम मना रहे हैं. ऑप्शन नंबर सी. उसके अलावा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या है इस बार? तो इस बार की थीम है सेफ गार्डिंग टू हेल्थ एंड राइट ऑफ द वुमेन एंड गर्ल्स. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज एन एनुअल इवेंट ऑब्जर्व ऑन 11 जुलाई. द इवेंट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द यूएन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन विच ईयर. आंसर इज 1989. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. हु वॉज साइंड एन एग्रीमेंट विद द नोएडा to promote electric vehicles and the charging station? Answer is Energy Efficiency Services Limited. Option number D. Power Minister R.K. Singh initiated the hashtag iCommit campaign on the occasion of the World Environment Day. The hashtag iCommit initiative is driven by? Answer is Energy Efficiency Services Limited. Option number B is right answer. Where is the headquarter of the Energy Efficiency Services Limited? Answer is New Delhi. Option number A. Who has won the 2020 Dada Saab Phalke Award for his short documentary Chi Lipo? And the answer is Kezang D. Thangdok. Option number B is right answer. The Dada Saab Phalke Award is India's highest award in cinema. Who was the first recipient of the award? Answer is Devika Rani. Option number D is right answer. What is the cash prize given under the Dada Saab Phalke Award? And the answer is 10 lakh. Option number B is right answer. Who is the recipient of the 66th Dada Saheb Phalke Award? Answer is Amitabh Bachchan. Option number D. Amitabh Bachchan. Option number D is right answer. चलिए, थैंक यू सो मच गाइज. अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे दिन के 3 बजे. आज दिन के 2 बजे कोई क्लास नहीं है आपकी, दिन के 3 बजे हम मिलेंगे फॉर द स्पेशल सेशन. जरूर आइएगा, कुछ हम नया करने वाले हैं. थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे. थैंक यू सो मच.